हेलो टू ऑल ऑफ यू। अभी हम जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है जो सी सेक्शन में रहा हुआ है, हम उसको डिस्कस करते हैं। और ये डिलीशन मैपिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन सेवरल टाइम्स आते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट ये एक सीएसआर का काफ़ी पैट एरिया है जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं और लगभग एक ही अप्रोच के ऊपर सब बेस्ड होते हैं। चलो हम इसको देखते हैं। द लोकेशन ऑफ सिक्स डिलीशंस, छः डिलीशंस हैं, आपको दिखा रखे हैं 1 to 6 तक, शोन एज सॉलिड लाइन्स। ये यहाँ तक का डिलीशन 1 है, ये डिलीशन 2 है, ऐसे सॉलिड लाइन्स उनको बता रखा है। हैज़ बिन मैप्ड टू ड्रोसोफिला क्रोमोजोम, तो ड्रोसोफिला के किसी क्रोमोजोम के ऊपर ये 6 डिलीशन ऐसे मैप करके आपको बताए हुए हैं, शोन इन द डायग्राम। ठीक है, ये हमें दिखा दिया, ये क्रोमोजोम है सबसे ऊपर वाली लाइन, और ये डिलीशन 1 है, ये डिलीशन 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये 6 है। और एक चीज़ आपको हमेशा इन क्वेश्चंस में मिलेगी, वो रहेगा कि जो डिलीशंस हैं उनके कुछ भाग ओवरलैपिंग होते हैं, जहीं उसी ओवरलैपिंग से हमें इनके क्लूज मिलते हैं, तो वो अभी समझ में आएंगे। रिसेसिव म्यूटेशंस ए बी सी डी ई एफ एंड जी, तो ये म्यूटेशंस हैं नॉन टू बी लोकेटेड इन द रीजन ऑफ डिलीशंस। ये तो हमें डिलीशन बता दिए, और इसी रीजन के अंदर जहाँ पे ये डिलीशंस हैं उसी रीजन में 6 ऐसे म्यूटेशंस हैं जिनको हम ए बी सी डी ऐसे बोल रहे हैं, और ये रिसेसिव म्यूटेशंस हैं। रिसेसिव म्यूटेशंस का मतलब, अगर जैसे हमने जो क्रोमोसोम लिया है इसका दूसरा जो होमोलोगस पेयर का मेंबर होगा, उन दोनों में ऐसा म्यूटेशन होने पे ही म्यूटेंट फिनोटाइप आएगा, अदरवाइज वाइल्ड टाइप का आ जाएगा। बट द ऑर्डर ऑफ म्यूटेशंस ऑन द क्रोमोसोम इज नॉट नोन, तो हमें डिलीशन वाले भाग में कौन से म्यूटेशन है वो पता है कि ए से लेकर के जी तक के हैं, लेकिन कौन सा डिलीशन कौन से म्यूटेशन के लिए है ये हमें नहीं पता, उनका ऑर्डर हमें नहीं पता है। ठीक है, यहाँ तक तो इसकी लैंग्वेज थी। अब हमसे ये कह रहा है कि व्हेन फ्लाइज होमोजाइगस फॉर द रिसेसिव म्यूटेशंस, तो अब हमें क्या देखना है कि ऐसी मक्खियाँ उन्होंने ली हैं क्रॉस में, हमें लेनी है, जिनमें रिसेसिव म्यूटेशंस होमोजाइगस कंडीशन में हैं, आर क्रॉस्ड विथ फ्लाइज होमोजाइगस फॉर द डिलीशंस। म्यूटेशन की होमोजाइगस कंडीशन वाली फ्लाइज का क्रॉस डिलीशन की होमोजाइगस से कराया जा रहा है, यानी कि अगर डिलीशन वाला पार्ट होमोजाइगस में है और रिसेसिव म्यूटेंट भी आपने होमोजाइगस में लिया है, तो अगर वो सेम होंगे, यानी कि जिस बाग का डिलीशन है और उसी से उसका रिसेसिव जो भी फीचर है उसका कनेक्शन है, तो उस वाली कंडीशन में कभी भी वाइल्ड टाइप नहीं आएगा, यानी कि रिसेसिव म्यूटेशन का लोकेशन कुछ और डिलीशन का वाली जगह कुछ और होने पे ही हमें वाइल्ड टाइप कंडीशन देखने को मिलेगी। यानी कि अगर जहाँ भी वाइल्ड टाइप आ गया रिसेसिव और डिलीशन के होमोजाइगस को लेने के बाद में जो नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी, अगर उसमें कहीं भी हमें वाइल्ड टाइप मिल गया, इसका मतलब उसका ये सॉल्यूशन हम निकालेंगे कि रिसेसिव वाली जगह और डिलीशन वाली जगह दो अलग अलग जगह हैं। द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेंड, तो आप रिसेसिव म्यूटेशंस ले लिए और दूसरी फ्लाइज को डिलीशन को लेकर के होमोजाइगस ले लिए, क्रॉस करा लिए, प्रोजेनी में क्या मिलता है वो नीचे इस टेबल में मैट्रिक्स बना के दिया हुआ है। वेयर द लेटर एम रिप्रेजेंट म्यूटेंट फिनोटाइप, तो जहाँ भी एम आ गया तो वो रिप्रेजेंट करेगा म्यूटेंट को, और जहाँ पे प्लस का निशान है वो वाइल्ड टाइप को डिनोट कर रहा है। अब हमें कैसे समझना है कि डिलीशन वन को लेकर के जो होमोजाइगस हैं उनका क्रॉस अगर ए को लेकर के होमोजाइगस उनसे कराया, तो इसका मतलब वहाँ पे वाइल्ड टाइप आ गया। इट मीन्स ए जो रिसेसिव कंडीशन थी वो डिलीशन वन के साथ में कोरिलेट नहीं है, यानी कि वो दोनों अलग अलग जगह पे हैं, यानी कि डिलीशन वन में रिसेसिव ए वाली कंडीशन का लोकेशन नहीं है, तो वहाँ पे वाइल्ड टाइप आई हुई है। बट बी के साथ में म्यूटेंट ही है, सी के साथ में म्यूटेंट ही है, डी के साथ में म्यूटेंट ही है, तो ये चीज़ें आपको ये क्ल्यू दे रही हैं कि डिलीशन वन में जो रीजन गया हुआ है उसमें ए शामिल नहीं है, ई शामिल नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, बट बी सी डी शामिल हैं, यानी कि डिलीशन वन वाले रीजन में बी सी एंड डी हैं, जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है बी सी डी। ऐसे अगर हम डिलीशन टू को देखें तो उसमें है ओनली सी एंड डी, तो डिलीशन टू में ओनली हैं सी एंड डी, तो थोड़ा सा हमें यहाँ से आइडिया भी लग रहा है कि अगर ये बी सी डी है और ये सी डी है तो डेफिनेटली ये दोनों भाग सी डी ही होंगे।
थर्ड वाले को देखते हैं तो यहाँ पे डी एंड ई है, यानी कि इस भाग में ओनली डी एंड ई है। इसके बाद में यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे डी एंड ई ही हैं वापस, सॉरी ए डी एंड ई आ गया। डिलीशन फोर वाले को देखते हैं तो इसमें ए डी एंड ई आ गया, तो नया जो जुड़ा है वो यही है, तो ऑब्वियसली ये क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। फाइव वाले को देखते हैं तो इसमें ए के साथ में एफ एंड जी है, तो ऑब्वियसली ये तो इसमें ए ही होगा, ये एफ एंड जी हो सकते हैं। और सिक्स वाले की बात करते हैं तो उसमें ए भी आ गया, यस यहाँ पे ए आ गया। इसके बाद में डी, तो डी ऑब्वियसली पीछे का है तो इसमें जो पीछे का भाग है उसमें डी है, और फिर इसमें ई एंड एफ हैं, तो ई एंड एफ यहाँ होंगे, ई एंड एफ इस रीजन में होंगे। कहने का मतलब ये था कि हमने इस मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके ये पता लगा लिया कि डिलीशन वन वाली जगह में बी सी डी हैं, डिलीशन टू वाली में सी डी हैं, थ्री में डी एंड ई हैं, फोर में डी एंड ई हैं, फाइव के अंदर ए एफ एंड जी हैं, और सिक्स के अंदर ए डी ई एफ ये सब हैं जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब केवल हमें इनको अरेंज करना होता है, जैसे इसका मतलब बी सी डी है और इसका मतलब सी डी है, तो डेफिनेटली इस भाग के अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आप देखेंगे इसमें बी सी डी आ गया, तो बी ओबियसली यहाँ बाहर होगा और सी और डी इसमें होंगे। अगले वाले के अंदर डी और ई हैं, तो कॉमन जो भाग है वो डी ये है, तो अगला इसमें जो जुड़ा है दैट इज ई। इसके बाद में जो नेक्स्ट आप देखेंगे उसमें ए डी और ई, तो ओबियसली ये ई और डी इसमें पहले से आए हुए हैं, और ये ए एफ जी, तो नया जो जुड़ा है उसके अंदर ए तो ये था ही, एफ एंड जी। और सिक्स वाले को देखते हैं तो इसके अंदर ए डी, क्योंकि इसमें ये इधर वाला भाग है जो इसके अंदर कॉमन था, तो उसमें ये आपके पास ए डी ई एफ आया हुआ है। तो अगर हम इनको बनाएंगे तो जैसे कि पहले वाले में ये था बी सी डी, दूसरे वाले के अंदर सी डी, यस दूसरे वाले के अंदर ये सी डी, तीसरे वाले के अंदर डी ई, तीसरे वाले रिलेशन में ये था डी ई, चौथे के अंदर ए डी ई, तो ये भाग आ गया उसके अंदर ए डी ई, पांचवे के अंदर ए एफ जी, तो ये ए एफ जी, और छठे के अंदर ए डी एफ जी, यानी कि ये वाला पार्ट था, और यही चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई हुई थी। तो केवल इतना समझना था कि जो रिसेसिव को लेकर के होमोजाइगस है और डिलीशन को लेकर के होमोजाइगस है, अगर उनका क्रॉस कराएं और म्यूटेंट ही आता है इसका मतलब वो तो उसी जगह पे हैं, और अगर वाइल्ड टाइप आ जाए इसका मतलब वो दूसरी जगह पे हैं, तो जो उसी जगह पे हैं वो हमें छांटने थे, हमने इनको छांटा, देन आफ्टर उनको हमें अरेंज करना था, अरेंज करने के बाद में हमें इनका ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये इसका जो आंसर के लिए जो ऑप्शन हमारे पास दिए हुए थे पेपर में, उसके अकॉर्डिंग ये पैटर्न हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। तो सेवरल टाइम्स ये सारे केस इक्वेशन आए हुए हैं जिनमें डिलीशन मैपिंग वो कराता है और जीन ऑर्डर हमें निकालना होता है। तो आई होप जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही ईजीली हम इनको कैच कर सकते हैं और जो क्वेश्चन उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।